दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे माजू फल के फायदे। जी हाँ दोस्तों, माजू फल जिसका की वैज्ञानिक नाम मंजाकिनी है, जिसे ग्रेल ट्री, ग्रेल ओक, मस्की आदि नामों से जाना जाता है। आयुर्वेद दवा में ये सबसे महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है। ये दस्त, ल्यूकोरिया, गर्भाशय की सूजन, गुदा सूजन और कई बीमारियों में दोस्तों लाभकारी होता है। दोस्तों माजू फल की सबसे बढ़िया जो बात है वो ये है कि इसके बनने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही अलग होती है। दोस्तों इसका निर्माण ओक के पेड़ की पत्तियों पर होता है, यानी कि ततैया जो होते हैं इस पेड़ पर अपना घर बनाते हैं और अपना लार्वा जमा करते हैं। उसके बाद पेड़ जो है इस औषधि का निर्माण करता है, जिसमें कि 5 से 6 महीने लग जाते हैं। यानी कि पेड़ कठोर आकार की गेंदों का निर्माण करता है 5 से 6 महीनों में। तो दोस्तों इसलिए ये औषधि शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। माजू फल में दोस्तों गैलिक एसिड और टैनिक एसिड की काफी अच्छी मात्रा होती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो चलिए जान लेते हैं इसके फायदे। दोस्तों अगर आपके मुंह में छाले हो जाएं तो आप क्या करें, वहां पर माजू फल का पेस्ट लगाएं। यानी कि माजू फल को पानी में भिगोएं, फिर घिसकर इसका पेस्ट बना लें और छालों पे लगाएं। इससे छाले कुछ ही दिनों में दोस्तों ठीक हो जाते हैं। छालों के लिए ये बहुत ही बढ़िया औषधि है। अगर आप मधुमेह से ग्रसित हैं तो भी आपके लिए माजू फल लाभकारी होता है। माजू फल की अगर आप चाय बनाकर मधुमेह रोग में पीते हैं तो इसका सेवन दोस्तों शरीर में अतिरिक्त जो शुगर होती है उसको कंट्रोल करता है, यानी कि मधुमेह के खतरों से बचाता है। त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए आप माजू फल का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप माजू फल का नियमित रूप से बहुत कम मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में नियमित सेवन करते हैं तो इससे आपकी स्किन गोरी बनती है, साथ ही त्वचा की असामान्य समस्याएं जो होती है, फोड़े फुंसियां, वो दूर हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि इसका अधिक मात्रा में आप सेवन न करें, बल्कि थोड़ी मात्रा में कभी कभार इसका अगर आप सेवन करते हैं तो आपको लाभ होता है। माजू फल दोस्तों गुदा की सूजन में भी लाभकारी होता है। अगर आपको दोस्तों गुदा की सूजन है तो उसमें आप माजू फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गुदा को माजू फल से धोते हैं तो इससे आपको गुदा की सूजन में लाभ मिलता है। या फिर आप इस फल के काढ़े में सूती कपड़ा भिगोकर प्रभावित स्थान पर रखते हैं तो भी आपको लाभ होता है। दोस्तों अधिकांश दोस्तों जो दांतों का पाउडर होता है, दांतों के टूथपेस्ट होते हैं, उसमें माजू फल का इस्तेमाल किया जाता है। ये दांतों के दर्द, मसूड़ों की सूजन को कम करता है। माजू फल दोस्तों पायरिया के इलाज में भी बहुत लाभकारी होता है। पायरिया की समस्या के लिए आप माजू फल, काला नमक, नीम पाउडर और बबूल की छाल का मिश्रण बनाकर एक दंत मंजन तैयार कर लें, और इससे अगर आप मंजन करते हैं तो ये मसूड़ों के संक्रमण, मसूड़ों के रक्त स्त्राव इत्यादि को दोस्तों कम करता है, दांतों को मजबूत बनाता है। दोस्तों माजू फल एक ऐसा रसायन है जो कि बहुत सी स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करता है, लेकिन इसका आप यदि अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। इससे होने वाले नुकसान कुछ ऐसे हैं। दोस्तों जब भी आप माजू फल का सेवन करें तो कम मात्रा से शुरू करके फिर इसकी मात्रा को बढ़ाना चाहिए। यदि आप शुरुआत में इसका सेवन ज्यादा करते हैं तो इससे आपको नुकसान हो सकते हैं। गर्भावस्था के समय आपको इसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इससे गर्भपात भी हो सकता है। और अगर आप इसका सेवन करते हैं और आपको कोई दुष्प्रभाव लगता है तो इसका सेवन आप तुरंत बंद कर दें। तो दोस्तों ये थे माजू फल के कुछ फायदे। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।